गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनय पांडे। खबरों के विस्तार में जाने से पहले चलिए जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के हेडलाइंस पर। जन सूचना एवं प्रथम अपीली अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यों में मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि जन सूचना अधिकार नियमावली का कड़ाई से हो पालन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास में दिन दहाड़े हवाई फायरिंग और मारपीट की घटना से मचा हड़कंप। कमिश्नर अनिल कुमार ने किया नगर निगम के विभागों का निरीक्षण, कहा ऑनलाइन हो सभी विभाग। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण का दिया आदेश। चौरी चौरा के व्यवसायी से रंगदारी के मामले में पुलिसिया दबिश के दबाव में आकर अभियुक्त ने किया न्यायालय में समर्पण। एसएसपी शलभ माथुर ने सभी थानाध्यक्षों को शासन के निर्देश को गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने का दिया निर्देश। यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य पर वापस लौटे मूल्यांकन केंद्र व्यवस्था से नाराज शिक्षक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रांगण में 23 मार्च से आरंभ होगा 3 दिवसीय संत कबीर सत्संग समारोह। नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ किए बैठक। और सुपर क्लब को 35 रनों से हराकर सांस्कृतिक क्रिकेट टीम एकेडमी पहुंची आतिफ कप अंडर 12 के सेमीफाइनल में। अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश जन सूचना एवं प्रथम अपीली अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन गुरुवार को जीडीए सभागार में किया गया, जिसमें प्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि जन सूचना अधिकार नियमावली 2015 से लागू हो गई है, सभी जन सूचना अधिकारी इसका पालन करें। प्रशिक्षण सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सूचना देने में ही हिल्ला हवाली न करें, अन्यथा आयोग में अपील प्राप्त होने पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 में लागू हुआ है, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य सरकारें नियमावली लागू करेंगी। उत्तर प्रदेश में 2015 में नियमावली लागू हो पाई है। जन सूचना अधिकारियों को कोई आवेदन पत्र प्राप्त होने पर दोनों का पालन करते हुए निर्णय लेना होगा। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि सूचना देना अनिवार्य है, कुछ विधिक प्रावधान है जिसके अंतर्गत सूचना नहीं दे सकते हैं, इसके लिए अधिनियम में धारा 8, 9, 24 और नियमावली में धारा 4 में पूरा विवरण दिया गया है। कार्यक्रम में राज्य सूचना आयुक्त गजेंद्र यादव, जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन, सीडीओ अनु सिंह, एडीएम प्रशासन प्रभुनाथ सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। प्रशिक्षण कार्यक्रम के बाद गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य राज्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा, जो प्रावधान होते हैं लगभग 31 सेक्शंस हैं, उसमें 120 दिन का हमको समय दिया गया 15 मई 2005 से 12 अक्टूबर 2005 तक, कि जो भी उसमें एक्ट में जो अपेक्षाएं की गई थी सरकारी तरफ से कि आप ये जो अपने यहाँ जो ऐसे प्रावधान है उसको पूर्ण करवा लें अपने लागू। ये इसकी हिस्ट्री है कैसे ये आया। वर्ष 2000 उसके बाद
आपके पास केवल यदि आप जैसे देखे होंगे तो केवल मात्र आपके पास सेक्शन 8, सेक्शन 9 और सेक्शन 24 यही तीन ऐसी धाराएं थी जो कि इंफॉर्मेशन एग्जेम्प्टेड थी। ये भी जानते हैं जब भी आपके पास एक लिफाफा आता था, मान लीजिए खाकी एक एनवेलप चलाया, उस पर लिखा हुआ है सूचना के अधिकार के अंतर्गत आवेदन, वो आपका जानकारी का अभाव था, वो सूचना दी जानी है कि नहीं दी जानी है, किस प्रकार दी जानी है, कैसे उसका निस्तारण किया जाना है, आपको यह लगता था कि हम कितनी भी सही या सूचनाएं दे दें तब भी आवेदक आयोग पहुंचेगा, अंततः आयोग पहुंचेगा और फिर हमको आयोग दौड़ना पड़ेगा। इसी तरह 2015 तभी जो ऑर्डर होता था वो यही होता था, जल्द सूचना के बाद सूचना दे दे, सूचना तो उसको पहले ही वहां पे प्रेगनेंसी बढ़ती जाएगी। तो दिसंबर 2015 का जुड़ा है तब फिर ये नियमावली गुड गवर्नेंस जिसके तीन घटक है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व और जवाबदेही। और हम ये देखेंगे जितनी भी पारदर्शिता यदि बढ़ाई जाए तो स्वाभाविक है जो भ्रष्टाचार है उतना ही कम होगा। जन सूचना अधिकारीकरण और प्रथम अपीलीय प्राधिकारीकरण जो डिफरेंट सरकारी कार्यालयों में नियुक्त हैं उनका प्रशिक्षण आज आयोजित किया गया था, इसके माध्यम से उनको सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 तथा उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015, ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 और सूचना का अधिकार नियमावली 2015, इनके प्राविधानों के बारे में जन सूचना अधिकारियों को और प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों को आज प्रशिक्षित किया गया था। प्रशिक्षण का ये कार्यक्रम पिछले लगभग 2 सालों से चल रहा है, ये जनवरी 2016 में प्रारंभ हुआ था, जिसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में जो कार्यरत जन सूचना अधिकारी हैं जिनकी संख्या अनुमानित 20,000 है और प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों में जो प्रथम अपीलीय प्राधिकारी कार्यरत हैं जिनकी संख्या लगभग 3,500 है, उनका प्रशिक्षण का कार्यक्रम जनवरी 2016 से लगातार चल रहा है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि हमारे जो जन सूचना अधिकारी हैं उनको सही तरीके से ज्ञान हो कि उनके क्या दायित्व हैं सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत और वो किस प्रकार से काम करें, वो क्या व्यवस्थाएं की गई हैं नियमावली में, उनको काम करने का क्या तरीका बताया गया है, उसकी जानकारी उनको उपलब्ध हो ताकि यूपी भर में पूरे प्रदेश में व्यवस्थित तरीके से और इफेक्टिवली सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 का इम्प्लीमेंटेशन संभव हो सके। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 वास्तव में एक क्रांतिकारी अधिनियम है। मैं क्रांति शब्द का प्रयोग सोच समझ के कर रहा हूँ, किसी भी व्यवस्था में जब क्रांति आती है तो जो स्टेटस को है, जो यथास्थिति है, उसमें परिवर्तन होता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने यथास्थिति को परिवर्तित किया था। वर्ष 2005 से पहले शासन प्रशासन तंत्र तथा आम जनता के बीच में जो शक्ति संतुलन था, बैलेंस ऑफ पावर था, उसको इस अधिनियम ने जनता के पक्ष में शिफ्ट किया। इस अधिनियम ने आम आदमी को सशक्त किया। 2005 से पहले ये कल्पना से परे था कि कोई भी आम व्यक्ति किसी सरकारी कार्यालय में जा करके अधिकार के साथ में कहे कि फला फला फाइल के फला 10 पेज की मुझे फोटोकॉपी दीजिए, ये संभव ही नहीं। आज वो अधिकार उस व्यक्ति के पास है और उसके तहत वो अप्लाई करता है सूचना मांगने के लिए या किसी अभिलेख की कॉपी लेने के लिए
और 30 दिन के भीतर उसको वो कॉपी दी जानी होती है। तो इस प्रकार से इस अधिनियम ने आम व्यक्ति को एम्पावर किया है, सशक्त किया है। इस अधिनियम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो उद्देश्य हैं, वो इस अधिनियम के प्रियम्बल में बहुत स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं और वो बड़े नोबल ऑब्जेक्टिव्स हैं। इस अधिनियम के ऑब्जेक्टिव्स में सबसे पहला है शासन और प्रशासन तंत्र की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी को बढ़ाना। दूसरा है शासन और प्रशासन तंत्र की कार्य प्रणाली में जवाबदेही को बढ़ाना, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाना। और तीसरा है करप्शन पर अंकुश लगाना, भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाना। वास्तव में जब हम गुड गवर्नेंस की बात करते हैं कि देश और प्रदेश में गुड गवर्नेंस एक बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, गुड गवर्नेंस की दिशा में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, कंट्रोल ऑफ करप्शन ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। बिना इनके गुड गवर्नेंस की स्थापना नहीं हो सकती, ये नेसेसरी कंडीशंस है। उस दृष्टिकोण से ये बड़ा महत्वपूर्ण अधिनियम है, बहुत क्रांतिकारी अधिनियम। जब फरवरी 2015 में मैंने मुख्य सूचना आयुक्त के पद का कार्यभार ग्रहण किया था, तब मैंने पाया था कि इस अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए नियमावली नहीं बनी है। नॉर्मली हर एक्ट के तहत एक सेक्शन में प्रोविजन होता है कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए रूल्स बनाए जाएंगे और आमतौर पर राज्य सरकार को रूल बनाने की पावर दी जाती है। कि हमारे एक्ट में भी यही प्रावधान है, धारा 27 में इस एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए राज्य सरकार नियम बनाएगी। लेकिन 2015 फरवरी में जब मैंने चार्ज लिया था, रिव्यू करने पर मुझे ये ज्ञात हुआ कि लगभग 10 वर्ष से ये एक्ट प्रदेश में संचालित किया जा रहा था, 2005 से 2015 हो गई थी, लेकिन इस एक्ट को संचालित करने के लिए कॉम्प्रिहेंसिव रूल्स नहीं बनाए गए थे और इसलिए इस एक्ट का कार्यान्वयन जो था वो प्रदेश में एक रूपता के साथ में नहीं हो रहा था, एडहॉक तरीके से हो रहा था। तो इसलिए सबसे पहले ये इस कमी को दूर करने के लिए आयोग ने ये पहल करी कि इसके रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करके और आयोग द्वारा राज्य सरकार को भेजा गया कि कृपा करके इन रूल्स को आप अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए धारा 27 के तहत इन रूल्स को आप अडॉप्ट करें और नोटिफाई करें। ये राज्य सरकार को करना था, हमने उसमें एक पहल करी कि हमने रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करके राज्य सरकार को भेजा इस संस्तुति के साथ कि कृपा करके इसको अप्रूव करिए और अप्रूव करके नोटिफाई करिए, प्रख्यापित करिए। हमें ये बताते हुए खुशी है कि राज्य सरकार ने हमारी इस संस्तुति को स्वीकार किया, उन्होंने अपनी प्रोसेस कंप्लीट करी और अंततोगत्वा दिसंबर 2015 में उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 प्रख्यापित की गई। दिसंबर 2015 में उत्तर नियमावली का नाम है उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015, ये प्रख्यापित हुई दिसंबर 2015। तो उस डेट के बाद से, दिसंबर 2015 के बाद से उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार आरटीआई एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन इसी नियमावली के तहत हो रहा है और ये ट्रेनिंग का प्रोग्राम जो जनवरी 2016 से प्रारंभ हुआ नियमावली के प्रख्यापन के तत्काल उपरांत, वो इसी नियमावली के प्राविधानों के बारे में जन सूचना अधिकारियों को बताने के लिए, प्रशिक्षित करने के लिए ये ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रारंभ किया गया जनवरी 2016 से। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाने के लिए भारत सरकार से वित्त पोषण प्राप्त किया गया। भारत सरकार की एक स्कीम है आरटीआई एक्ट के ट्रेनिंग के बारे में, उस स्कीम के तहत उत्तर प्रदेश सरकार ने इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को चलाने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्राप्त की और ये एक तरह से प्रदेश सरकार और भारत सरकार की मिली जुली एक पहल है जिसके तहत ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है। इस लोग ने उपाम के साथ मिल करके इस ट्रेनिंग का स्वरूप निर्धारित किया है। जैसे मैंने बताया जनवरी 2016 से ये प्रशिक्षण चल रहा है और एक पूरा राउंड कंप्लीट कर हो चुका है। 18 मंडल हैं प्रदेश के, 75 ज़िले हैं, एक राउंड पूरे प्रदेश का कंप्लीट हो चुका है और अब सेकंड राउंड चल रहा है और आज गोरखपुर मंडल
का प्रारंभ हुआ था, यह आठवां मंडल नवा मंडल, तो ये सेकंड राउंड में नवा मंडल टेकअप हुआ है आज, मतलब एक सेकंड राउंड भी लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। आज गोरखपुर जनपद की ट्रेनिंग है, अब उसके बाद में कल परसों नरसों गोरखपुर मंडल के अन्य जनपदों का प्रशिक्षण इसी प्रकार से उन जनपदों में जा करके किया जाए। डेवलपमेंट नज़र आए हैं, हमारा ये अनुभव है नंबर एक के हमारे जन सूचना अधिकारियों द्वारा जो निस्तारण है एप्लीकेशंस का, उसका निस्तारण जो है उसकी गुणवत्ता बेहतर हुई है। पहले जिस तरह से वो निस्तारित करते थे वो अधिकांश मामलों में सेकंड अपील फाइल करने की स्थिति आती थी, वो व्यक्ति जो था वो संतुष्ट नहीं होता था, वो अपील फाइल करता था। निस्तारण की गुणवत्ता में निस्तारण की गुणवत्ता में सुधार आया है नंबर एक। नंबर दो, उसके कारण जो हमारे यहाँ अपीलें फाइल होती थी उनकी संख्या में थोड़ी कमी आई है। हमारा ये विश्वास है कि जो ये पूरी प्रोसेस है अधिनियम के तहत सूचना मांगने और सूचना प्राप्त करने की जो पूरी प्रक्रिया है, इस पूरी प्रक्रिया में पहली कड़ी जन सूचना अधिकारी है और वही सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। तो अगर वो व्यक्ति अपना काम बेहतर तरीके से करता है तब निश्चित रूप से अपीलों की संख्या में कमी आएगी, संतोष बढ़ेगा, इस अधिनियम के कार्य इम्प्लीमेंटेशन के बारे में संतोष जो है बढ़ेगा। और वो केवल दंड के भय से नहीं होता, दंड का भय अपनी जगह पर है, महत्वपूर्ण है, लेकिन ट्रेनिंग से, जानकारी से, उस व्यक्ति को जो इसको ये काम करना है उसको अपने काम के बारे में प्रशिक्षण दे करके सुधार जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो संबंधित जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई करने के लिए शासन को संस्तुति कर सकता है और हम लोगों ने करी है, कुछ केसेस में करी है। ये मेरे विचार से ये ज़्यादा डेंजरस, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोविजन है, क्योंकि 25,000 रुपये का जुर्माना देकर के तो एक बार में व्यक्ति 25,000 देकर के समझता है कि लाखों का मान लीजिए, लेकिन 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 सेक्शन 20 सब क्लॉज 2 में जो प्रोविजन है कि उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए आयोग लिखे, तो शासन को करनी होती है। ऐसा नहीं होता कि शासन आयोग की संस्तुति को ओवरलुक कर दे, तो वो कार्रवाई अगर प्रारंभ हो जाती है तो वो उसको ज़्यादा नुकसान देगा। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास में गुरुवार की दोपहर हवाई फायरिंग और मारपीट की घटना से हॉस्टल में हड़कंप मच गया। घटना की सूचना पाकर एसपी सिटी विनय कुमार सिंह और विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर डॉक्टर गोपाल प्रसाद विवेकानंद छात्रावास पहुंचकर घटना का जायजा लिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक गोरखपुर विश्वविद्यालय का पूर्व छात्र अमर पासवान गुरुवार की दोपहर किसी काम से विवेकानंद छात्रावास पहुंचा था, जहां पहले से ही घात लगाए कुछ अज्ञात युवकों ने उसके साथ मारपीट की और हवाई फायरिंग करते हुए फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घायल अमर पासवान को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद डॉक्टरों ने उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। घायल अमर पासवान की पत्नी अनुप्रसाद ने बताया कि एक व्यक्ति द्वारा पिछले 3 माह से उसे मारपीट करने की धमकी दी जा रही थी, उसी व्यक्ति ने अपने साथियों के साथ मिलकर आज इस घटना को अंजाम दिया है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए डॉक्टर गोपाल प्रसाद ने कहा कि अमर पासवान वर्तमान में गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र नहीं है, इसके बावजूद छात्रावास में इसका आना जाना बराबर बना रहता है। वहीं घटना के संबंध में एसपी सिटी विनय कुमार सिंह ने कहा कि घायल अमर पासवान पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमे पंजीकृत हैं, सीसीटीवी फुटेज के जरिए अभियुक्त की तलाश की जा रही है। बाकी चाहिए
दरअसल ये मामला आज से 3 महीने पहले का है। 3 महीने पहले हितेश सिंह जो यहाँ पे डॉक्टर थे, डॉक्टर हितेश सिंह को सब लोग बोलते हैं हॉस्टल में, तो उनसे और इनकी कोई कहा सुनी हुई थी हॉस्टल में, ये इनका आपसी मामला था। उसके बाद हितेश सिंह का बहुत ही एक चैनिटी हुई सुजीत सिंह साहित्यवार थे, वो मेरे पास मैसेज करके मुझे धमकी देने लगे कि आपके पति द्वारा जो भी कार्य किया गया है उससे आपका राजनीतिक करियर हम लोग खराब कर देंगे, आपको विश्वविद्यालय में चलने नहीं देंगे, आपका राजनीतिक पॉलिटिकल करियर पूरी तरह खत्म हो जाएगा। फिर उस टाइम मैं दिल्ली में थी, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ये बात जब मुझे पता चली, मैंने बात की, तो ये हुआ कि भाई हितेश सिंह और अमर सिंह पासवान और नीलों का आपसी मामला था, कोई जो भी था, ये बात किसी को पता नहीं, एक बंद कमरे की बात थी। उसके बाद ये बात खत्म हो गई। फिर कुछ दिन बाद, उसी के कुछ दिन बाद से पासवान जी के पास, अमर सिंह पासवान के पास चंदन सिंह बन के लोग फोन करने लगे कि तुम बहुत बड़े गुंडा हो गए हो, तुम्हें हम चलने नहीं देंगे, तुम्हें हम जान से मार देंगे। जब इनको ये पता चला कि किसी चंदन सिंह ने इनके पास फोन किया, तो ये इसमें कैंट पर जाके तहर देने वाले थे, मगर तब पता चलता है कि वो चंदन सिंह नहीं, क्योंकि सुजीत सिंह साहित्यवार जो था वही चंदन सिंह बन के इनको धमकी दे रहा था। उसके बाद ये मामला, फिर जब इन्होंने सुजीत से कई बार बात करने की कोशिश की, आखिर बात क्या है, फोन पर एक बार बात भी हुई, उन्होंने साफ कहा कि देखो जो मामला है मुझसे है, मेरी पत्नी को बीच में मत लाओ, वो वहाँ पे पढ़ती है, पढ़ाती है, राजनीति करती, वो उसका अब अलग चीज है, इसमें कोई उसका लेना देना नहीं है। उसके बाद भी ये लोग कहीं से रुके नहीं, कई बार विश्वविद्यालय में मेरे कई सारे कार्यों में लोग विघन डालते रहे, मुझे मेरे फेसबुक से व्हाट्सएप पे हर जगह गलत गंदा गंदा कमेंट करते थे मेरे खिलाफ, तो इसी को लेकर ये काफ़ी दिनों से परेशान थे। और फिर आज सुबह मुझे पता चला ये हॉस्टल गए थे, क्योंकि ये इनका रोज का है हॉस्टल वहाँ आना जाना, तो आज वहाँ गए, वो अकेले थे, तो मुझे पता चला सुजीत सिंह साहित्यवार और उनके दो साथी और थे, जिनको अकेला इनको अकेला पाके इनको मारे, रॉड से मारे, सर पे इनको 3 चोट लगी है, टाका लगा है, नाक से खून बह रहा है, और इनके प्राइवेट पार्ट पे भी इन्होंने मारा। और मारते मारते इनके आम मानवीय व्यवहार ये थी कि इनका वीडियो तक बनाया गया कि हम अमर सिंह पासवान को मार रहे हैं। क्या कर रहे हैं बच्चा, तो कहाँ पर सारे पटलों ने भैया भेज दिया, महेंद्र पटलों पकड़ लिया और सर हॉस्टल में गोली चलने की मामला सामने आया, क्या है ये पूरा? अभी गोली एक दो राउंड चलने की सूचना मिल रही है। अमर पासवान है, वो विश्वविद्यालय के छात्र भी नहीं है, और सुनने में आ रहा है कि विवेकानंद छात्रावास के तरफ आ रहे थे, तो उनको कुछ लड़कों ने, अब ये चिन्हित नहीं हुआ कि वो छात्रावासी, तो लड़के तो कह रहे हैं छात्रावासी नहीं है, वो बता रहे हैं कि कोई बाहरी थे, 2-3 लड़के उनको मारे पीटे हैं बुरी तरीके से, उनका मुंह फटा है शायद, जो है खून बह रहा है, दिखाई दे रहा था, पुलिस ने उनको मेडिकल के लिए जो है भेज दिया है, और फायरिंग की जो है अभी जाँच जो है एस पी सी टी साहब मौके पर मौजूद हैं, हमारे साथी हैं, देख रहे हैं। विवेकानंद छात्रावास के पास में एक अमर सिंह पासवान नाम के व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय के किसी भी पाठ्यक्रम में इनरोल नहीं है, अक्सर विश्वविद्यालय में घूमते रहते हैं, आज अराजक तत्वों ने उनको पकड़ के उनके साथ मारपीट किया है। प्रथम दृष्टया देखने से प्रतीत होता था कि चोट उनको किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट से लगी है, और यहाँ के कुछ चश्मीर साक्षियों ने बताया है, प्रत्यक्षदर्शियों ने, कि यहाँ पर कुछ हवाई फायरिंग हुई है और मौके से 2-3 खोखार बरामद किए हैं। सर बताया जा रहा मारपीट के बाद जो हमलावर थे उन्होंने सेल्फी भी खिंचवाई है उसके साथ। अब हम लोग यहाँ CCTV फुटेज संभाल रहे हैं, उसकी जांच की जा रही है, कोई अराजक तत्व विश्वविद्यालय के भी हो सकते हैं, बाहर के भी हो सकते हैं, उसकी जांच की जा रही है। फिलहाल जिसको चोट लगी है विश्वविद्यालय के किसी पाठ्यक्रम में इनरोल नहीं है, इनका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, हम लोगों ने गुंडा एक्ट का चलन घोषित किया हुआ। गुरुवार को कमिश्नर अनिल कुमार ने नगर निगम के अभियंत्रण विभाग, रेंट विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कर विभाग, वॉर रूम और मुख्य कार्यालय का निरीक्षण किया और विभाग में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित कर्मचारियों को फटकार भी लगाई।
नगर निगम का निरीक्षण कर रहे कमिश्नर अनिल कुमार को नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश सिंह और मुख्य कर निर्धारण अधिकारी रवीश चंद्रा ने विभिन्न विभागों से संबंधित बीते वर्षों का लेखा जोखा दिखाया। कमिश्नर अनिल कुमार ने नगर निगम परिसर को सुंदर और नगर निगम की सभी विभागों को ऑनलाइन करने के निर्देश भी दिए। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए कमिश्नर अनिल कुमार ने कहा, वो संपत्तियाँ जो नगर निगम की प्रॉपर्टी है सर, जैसे वो अलग है। ये क्या है? ये जो गांव रिवेन्यू प्रॉपर्टी के डिटेल बनाए गए हैं। वही प्रॉपर्टी है, वही प्रॉपर्टी से मान लीजिए ग्राम सभा की प्रॉपर्टी क्या होगी? ग्राम सभा गाँव वार सर विवरण है पूरा, वही है, वही कह रहा हूँ सर। अब उसके अंदर मान लीजिए जैसे आपको कहना बन के जमीन अलग, वो पहले आपकी संपत्ति नहीं थी। उदाहरण सर मैं बात कर रहा हूँ, अब आपको मिल गई तो आपकी संपत्ति होगी, या आपने कोई जमीन खरीद ली, या आपको सॉलिड बेस कर गया फिर किसी जमीन का संपत्ति बनी है। कैसे आए
आपको डिमांड दे रही कि आपकी इतनी डिमांड है, इतना उसमें चले, इतनी डिमांड है, इतना दिखाओ मुझे। ये क्या है? तो बड़े बकायदा सरकारी विभाग वाले सूची किसके पास? मैंने वाइज किया ये भी ऑनलाइन हो गया दस दस साल सुन रही है मालूम है, वो तो आपको मालूम है, लेकिन अगर मेरे को नहीं जाए तो क्या करते हैं आप? अभी तक कार्रवाई तो नहीं करेगा कोई भी डिमांड आज नगर निगम का निरीक्षण था, तो उसमें हमने लास्ट ईयर भी निरीक्षण किया था, तो उस समय जो स्थिति थी उससे तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, और पर इसमें कभी काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। एक तो थोड़ा सफाई तो इम्प्रूव हुआ है, सफेदी वगैरह भी उन्होंने व्हाइट वॉश वगैरह करी, अभी भी अंदर कई कमरों में पुराना रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा है, और मेरे ख्याल से यहाँ पे अभी विदआउट का सिस्टम नहीं है, क्योंकि पुराने रिकॉर्ड विदआउट होते रहते हैं, तो मैंने इनसे ये कहा है कि इसको विदआउट कराएँ पुराने रिकॉर्ड, और जो अलमारियाँ सब जो पुरानी है टूटी पड़ी है उनको ठीक कराएँ। दूसरा जो टैक्सेशन सिस्टम है और न्यूट्रिशन की एक्टिविटी है वो ऑनलाइन और कंप्यूटराइज करने के लिए कहा है, ताकि कोई भी व्यक्ति घर बैठे अपना सब काम नगर निगम से जो है वो कर सके, ये हमने इनसे कहा। तीसरा, इस समय क्योंकि अब बरसात का सीज़न 2-3 महीने बाद शुरू हो जाएगा, तो नालों की सफाई का विशेष जोर दिया है, और इन्होंने 15 फरवरी से शुरू भी कर दिया है, वो समय से पूरा करने का निर्देश दिया है। चौथा, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसमें भी कुछ कुछ पीरियड जो लगभग एक साल पहले हम लोगों को सेंक्शन किए थे वो अभी काम होने कंप्लीट होने बाकी हैं, लोगों को तेज़ी लाने के लिए कहा। और एक जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है परिसंपत्तियाँ, परिसंपत्ति रजिस्टर जो होता है, संपत्ति रजिस्टर या प्रॉपर्टी रजिस्टर जिसे हम कहते हैं नगर निगम में, उसका हर साल वेरिफिकेशन होता है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ, वो यहाँ पे हो ही नहीं रहा है, तो वो भी करने के लिए कहा। और म्यूटेशन एक्टिविटी का जो म्यूटेशन के लिए जो हाउस टैक्स रजिस्टर होता है वो भी हर 5 साल बाद में उसका जो भी उसमें चेंजेस आती हैं उसको इनकॉर्पोरेट करते हुए नया रजिस्टर बनता है, तो वो भी बनने के लिए कहा गया। तो ये 5-6 चीज़ें हम लोगों ने सजेस्ट करी है, और बस मैंने इनको यही कहा मोटे रूप से, अगर हम लोग कर लें कि हमारे जो काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा कंप्लेंट रजिस्टर है, हमारा कर्मचारियों का मैनेजमेंट है, उनकी पे स्लिप पे का पेमेंट है, सैलरी का पेमेंट है, GPF है, GIS है, ये सब चीज़ें ऑनलाइन हो जाए, हमारा प्रॉपर्टी टैक्स का सिस्टम ऑनलाइन हो जाए, टैक्स कलेक्शन हमारा काफ़ी हद तक ऑनलाइन हो जाए, और ऑनलाइन होने के साथ साथ काफ़ी बड़ा चंक ऑनलाइन आना भी शुरू करें, तो उससे काफ़ी सुधार होगा, तो यही हम सजेस्ट करें। थैंक यू। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कुछ तोहफे हम कभी नहीं भूलते, जैसे घर आई नन्ही खुशी के लिए दादा दादी का दुलार, दिवाली पर मिठाई के डब्बे में छुपा मम्मी के लिए पापा का प्यार, वो दिल से पूछा गया एक सवाल और उसके जवाब की तैयारी में शुभ आरंभ का आशीर्वाद।
आयुष प्रा 76 सालों से परंपरा विश्वास की। ब्रेक के बाद आपका फिर से इस बुलेटिन में स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जनपद स्तरीय व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडियन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। बैठक में व्यापारियों के विभिन्न समस्याओं के समाधान किए जाने पर चर्चा की गई, जिसमें साफ सफाई, मच्छरों के प्रकोप, पार्किंग सहित अन्य बिंदुओं की जानकारी जिलाधिकारी के समक्ष रखी गई। उसके निस्तारण के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया। बैठक में एडीएम सिटी रजनीश चंद्र, सिटी मजिस्ट्रेट विवेक श्रीवास्तव, व्यापार मंडल के विशाल गुप्ता सहित अन्य अधिकारी और व्यापार संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे। शिकायत पत्र की जांच अशोक कुमार गुप्ता, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार प्रतिनिधिमंडल जिला उपायुक्त वाणिज्य का प्रशासन और व्यापार बंधु का अपेक्षा है, क्या क्या मिल रहा है बताएं सर। चुनाव के कारण ये बैठक थोड़ा विलंब से हो रही है, इसका कार्यवृत्त है सर। पहला बिंदु है सर, नगर निगम और मंडी समिति से संबंधित है। इसमें व्यापार मंडल के प्रतिनिधि संजय सिंघानिया जी ने इस प्रश्न को उठाया था कि बरसात के मौसम में जनपद के व्यावसायिक मंडियों में जल जमाव होने के कारण नालियों में गंदगी जमा हो जाती है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। मंडी के स्थिति का आपको बना हुआ हमें भी दे दीजिए, मैं जिला स्तर इधर से भी देखता हूँ, हम खुद देखता हूँ, तो पूरा हर नाली के बन गया होगा। वैसे आपका जो टारगेट के हिसाब से कब तक पूरा करने का उद्देश्य है, सफाई व्यवस्था कब तक पूरा हो जाए? ये तो सर रोटेशन में चलता रहता है, और नाला सफाई का तो इसका जो एक अलग रोस्टर जारी किया है, अलग स्वास्थ्य विभाग तो सर वही बताता है। पेपर में आया था कि चालू करने वाले सर, चालू नहीं हुआ है, चालू कराया है नाला सफाई तो आई गया है, उन्होंने नाला सफाई का काम शुरू करा दिया। सर्वप्रथम वो बड़े नाले साफ करवाए, उसके बाद मध्यम नाली, उसके बाद अंतिम में छोटे नालियाँ। बेसिकली आउटफॉल जो जनपद का आउटफॉल होता है ना, वही लोअर लेवल होता है, उसी से उल्टा धो करके आना होता है। सबसे ज़्यादा गहराई वो होगा पाइप, उसी के सबसे पर अलग मिल जाएगा। सर दूसरा इशू है, तो जितने बार आप लोग सफाई करते रहते हो यहाँ, तो पॉलीथिन बैग कूड़ा कबाड़ा सारे तो देखते रहते हैं। एक महीने मान लो तो साफ करा लिया, अगले महीने फिर वही कुछ आ जाता है, तो भी आप कराना होता है। लग रहा है सबसे यही बताया था, तब तक दोस्त जब जाकर कोई कलेक्शन नहीं करता है फिर ये समस्या तो रहेगी। आप अपेक्षा नहीं कर सकते सभी लोग यही कलेक्शन पॉइंट में कूड़ा डालेंगे, हर जगह फेंकते हैं ना, तब तक घर घर जाकर के कलेक्शन नहीं करोगे, ये समस्या हमेशा रहेगी, तो कुछ कराना होता है। चौरी चौरा थाना अंतर्गत भोपा बाजार के निवासी सुरेंद्र वर्मा, जो कि पेशे से व्यवसायी हैं, उनकी दुकान में घुसकर रंगदारी मांगने
का मामला सामने आने पर सुरेंद्र वर्मा की तहरीर पर प्रदीप यादव निवासी जंगल रसूलपुर नामक शख्स को झंगा पुलिस ने के लगातार दबिश दिए जाने के बाद प्रदीप यादव गुरुवार को न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। गोरखपुर जनपद के एसएसपी पद का कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली क्राइम मीटिंग में एसएसपी ने सभी थानाध्यक्षों को शासन के निर्देशानुसार समस्याओं को शीघ्रता के साथ और क्वालिटी के साथ निस्तारित करने को कहा है। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी शलभ माथुर ने कहा कि तहसील थाना दिवस सहित जन शिकायतों के सभी मामलों को प्रभावी ढंग से निस्तारित किया जाएगा और संदिग्ध स्थानों और व्यक्तियों की चेकिंग की जाएगी। उन्होंने इस संदर्भ में बताया, सर क्राइम मीटिंग की है तो क्या निर्देश दिए हैं? क्राइम मीटिंग में बेसिकली थाना अध्यक्षों को बताया गया कि जो भी शासन के निर्देश हैं उसको बहुत ही शीघ्रता से और क्वालिटी के साथ निस्तारण करें। खासतौर से जो तहसील दिवस के, समाधान दिवस के जो प्रकरण हैं या जो जन शिकायत के मैटर्स हैं उसमें समय अवधि के साथ क्वालिटी डिस्पोजल, इसके अलावा जो पुलिस से रिलेटेड जो हम लोग के पेंडिंग इन्वेस्टिगेशन हैं, जो विवेचनाएँ हैं या जो भी हम लोग के विभिन्न अभियान चलते हैं, चाहे वो एंटी रोमियो से रिलेटेड हों चाहे डेली बेस के ऊपर जो अभियान चलते हैं उसके अंदर प्रभावी कार्रवाई करना और निरंतर रूप से सतत रूप से करना। इसके अलावा जो डीजीपी हेडक्वार्टर से जो हम लोग को निर्देश आए हैं पुलिस अभिरक्षा को लेके, इसके अलावा जो और जो हम लोग की क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन को लेके, उन सब के बारे में उनको ब्रीफ किया गया और साथ ही साथ लगातार हम लोग केसेस का अनावरण करते हैं और किस तरीके से हम पब्लिक का जो पुलिस का बिहेवियर है और जो समय समय पर जो शिकायतें आती हैं उसको कम करने का प्रयास करते हैं। सर संदिग्ध लोगों के लिए क्या चेकिंग अभियान को चला रहे हैं? विभिन्न तरह के चेकिंग अभियान हम लोग समय समय पर चलाते रहे, आगे भी चलाएंगे, चाहे मॉर्निंग वॉकर से रिलेटेड वो ऑपरेशन जो ऑल आउट है, ग्राइंड चेकिंग है, कभी कबाड़ियों का सत्यापन है, कभी बॉर्डर सील करके चेकिंग है, ये डिफरेंट चेकिंग्स हम लोग डिफरेंट समय पे कराएंगे। साथ ही साथ शील हम लोग बलवा डेल का भी रिहर्सल कराएंगे। वाहन के लिए हेलमेट और सीट बेल्ट के लिए क्या है जी? उसका आज जो चेकिंग कराई गई खासतौर से उसमें ये चीज बताई गई जो आप बता रहे हैं, उसके साथ साथ जो काली फिल्म लगा के गाड़ी है उसको अतिरिक्त छोड़ के हम लोग का प्रयास है। चेकिंग के अंदर भी इस चीज़ के लिए निर्देश दिए गए कि बुजुर्ग या महिलाएँ जो हैं उनको आकरण परेशान ना करके व्यवहार जो है उसका ध्यान में रखते हुए चेकिंग की जाए। बुधवार को व्यवस्था से नाराज यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य में लगे शिक्षकों और प्रशासन के बीच हुई तनातनी के बाद गुरुवार को शिक्षक मूल्यांकन कार्य पर लौट आए। गुरुवार को जुबली इंटर कॉलेज, मियां साहब इस्लामिया इंटर कॉलेज, तुलसीदास इंटर कॉलेज, सेंट एंड्रयूज इंटर कॉलेज, एमजी इंटर कॉलेज और महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पूर्व की भांति शिक्षक मूल्यांकन कार्य पर नजर आए। हालांकि जुबली इंटर कॉलेज के एक दो कक्षा में पंखा नहीं चल रहा था लेकिन हस्तक्षेप के बाद उसे जल्द ही ठीक करा लिया गया। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मूल्यांकन केंद्र के कार्य प्रभारी श्रीनिवास मणि त्रिपाठी ने कहा कि सभी केंद्रों में शिक्षकों के लिए समुचित व्यवस्था कर दी गई है। के बाद फिर आज सभी डीएससी आज कोठार से कॉपी ले गए हैं।
परीक्षक जो है बैठ करके कंपनियों का मूल्यांकन कर रहे हैं। आज किसी तरह का कोई बाधा नहीं है कल, बल्कि उनके हड़ताल की वजह से कंपनियों का मूल्यांकन नहीं हुआ। आज कॉपी लेकर के मूल्यांकन का कार्य चल रहा है। सर, जो कल बाधा हुआ था उसको लेकर आज कैसे पूरा करेंगे आप लोग जो लक्ष्य है? बाधा करने का मतलब यही है कि कॉपी की संख्या या डेट एक दिन बढ़ाया जाएगा, तभी उसका आकलन किया जा सकता है। नहीं तो फिर डेट जब गैप होगा तो उसकी नोट तो केंद्र पर पड़ेगा ही, केंद्र उसके निपटने के लिए या तो एक दिन अतिरिक्त समय देगा, हमें कॉपी की संख्या बढ़ा करके कवर करेगा। उसमें बिजली पानी को लेकर कुछ शिक्षक नाराज भी थे क्या? हमारे वहाँ बिजली पानी की कोई समस्या नहीं, बिजली कट जाएगी वहाँ से। अभी गर्म मौसम भी कोई इतना नहीं है, ठंडा भी मौसम भी चल रहा है, हवा भी बह रही है, अभी कोई बहुत प्रॉब्लम नहीं हो रही है। कुछ कमरे में पंखे बंद थे, शिक्षक कह रहे थे कि पंखा नहीं चल रहा है, तो चलवा दिए, वहाँ से काटा गया था जी, तो चल गया। पहले वो लोग बोले नहीं है, नहीं तो पहले ही चालू हो गया होता। बिजली की कुछ समस्या है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विषय पर आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का गुरुवार को समापन हो गया। गोष्ठी के समापन के अवसर पर मुख्य रूप से लखनऊ स्थित बीरबल साहनी पुरातत्व विज्ञान संस्थान के प्रोफेसर सीएम नौटियाल, गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं सांस्कृतिक विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रजवंत राव, प्रोफेसर शीतल प्रसाद सिंह सहित कई शिक्षक और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत विषय पर प्रकाश डाला। इसको कहते हैं लाइटिंग।
जितना ज्यादा समय बीतेगा उतनी ही जोड़ बड़ी हो जाएगी, उस तरह के कल्चर में, उस तरह की परिस्थितियों में, उस तरह का नायकन किस देश से ग्रो करेगा। जी लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट ने कहा, इसका मतलब जहां पर नायकन ज्यादा बड़ा है उस स्ट्रक्चर की एज ज्यादा है। सामाजिक समरसता, मानवीय एकता, भाईचारा एवं विश्व बंधुत्व की भावना को बढ़ाने के उद्देश्य से संत कबीर सेवा समिति के तत्वावधान में 3 दिवसीय संत कबीर सत्संग समारोह का आयोजन 23 मार्च को मारवाड़ इंटर कॉलेज में किया जाएगा। 3 दिवसीय समारोह की जानकारी देते हुए कबीरवाणी के प्रचारक गौरवदास ने कहा कि समारोह सुबह 8 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। इस मौके पर नगर निगम के उपसभापति जितेंद्र सैनी भी मौजूद रहे। यहाँ पर ये 3 दिनों का सत्संग आयोजित है और इसमें संत कबीर के मानवतावादी विचारों का प्रचार प्रसार के लिए हम सब आए हैं, जिसमें राष्ट्रीय एकता, सामाजिक एकता, धार्मिक एकता, प्रेम, भाईचारा, विश्व बंधुत्व और वर्गविहीन समाज की संरचना का एक संदेश यहाँ दिया जाएगा 3 दिनों के सत्संग में। यही हम लोगों का उद्देश्य है। ये 23 मार्च से 25 मार्च तक 3 दिनों का आयोजन है और यह कार्यक्रम जो है कौन सा कॉलेज है? मारवाड़ इंटर कॉलेज। मारवाड़ इंटर कॉलेज के हॉल में संपन्न होगा। प्रातः 8 बजे कल आरंभ होगा। 12 बजे तक पहला सत्र समाप्त होगा, दूसरा सत्र शाम को 4 बजे आरंभ होकर रात्रि 8 बजे समाप्त होगा, जिसमें कबीर साहब के भजन और उनके जो वाणी है उन वाणियों पर चर्चा होगी, विचार गोष्ठी होगी और प्रवचन होगा और उनके गूढ़ अर्थ वाले जो शब्द हैं, पद हैं, उन पर व्याख्या होगी। गुरुवार को नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष गीतांजलि मौर्य की अध्यक्षता में जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आई आंगनबाड़ी कर्मचारियों एवं सहायिकाओं एसोसिएशन की उत्तर प्रदेश की सहायिकाओं की बैठक की गई। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मानदेय बढ़ाने को लेकर प्रदेश सरकार द्वारा हो रही हिल्ला हवाली बर्दाश्त नहीं करने पर किया गया। मानदेय नहीं बढ़ाने पर 2 अप्रैल को पूरे प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर एक रैली के माध्यम से मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा जाएगा। बैठक में मालती देवी, बिंदु वर्मा, सपना सिंह, गीता पांडे सहित अन्य ब्लॉक से आई सहायिकाएं मौजूद रहीं। गुरुपुर न्यूज से बात करते हुए जिला प्रवक्ता प्रियंका सिंह ने कहा, मानदेय संबंधी जो भी समस्याएं हैं तत्काल विचार करके 120 दिन के अंदर जो है इनका निपटारा कर दिया जाए। जा रहा है सरकार की तरफ से हम लोगों को कोई आश्वासन, कोई ठोस आश्वासन हमको है, जिनके साथ हम लोग 120 दिन गुजारे वही हमारे लिए काफी था। 120 दिन किसी दिन किसी तरह से गुजरा, आश्वासन मिला था, लिखित आश्वासन मिला था कि मार्च तक आप लोगों का 2 अप्रैल को विकास भवन से रैली शुरू होगी और है सरकार के वादा खिलाफी के लक्ष्य में हम लोग रखे हैं कि अगले 2 तारीख को अप्रैल में 2 अप्रैल में हम लोग सरकार को सजग करने के लिए, उनको एक चेतावनी देने के लिए एक विशाल रैली आयोजित करने वाले हैं। गोरखपुर में प्रदेश स्तर पर व्यापक कार्यक्रम हर जिले में आयोजित है। ये क्या है मांग आप लोगों की? मांग हम लोगों का है कि तुरंत हम लोगों को सम्मानजनक मान दे दिया जाए। सबसे हम लोग हर तरह से तिरस्कृत है, उपेक्षित है, सरकार सौतेलापन का व्यवहार हमारे साथ करती है। एक ही छत में, एक ही स्कूल के नीचे किसी को 50,000 दिया जाता है, किसी को 40,000 दिया जाता है, आंगनबाड़ियों को महज 4,000, ये हमारे लिए बहुत ही वो भी समय से नहीं मिलता है, लेकिन 4,000 में किसी भी तरह से जीवन का गुजारा नहीं हो सकता। कहाँ कहाँ से इकट्ठे हुई आंगनबाड़ी? ये पूरे गोरखपुर के 1900 ब्लॉक से आई है। गुरुवार को रेलवे क्रिकेट ग्राउंड पर चल रहे आतिफ कप अंडर 12 क्वार्टर फाइनल के एक मैच में सांस्कृतिक क्रिकेट टीम और सुपर क्लब के बीच खेला गया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सांस्कृतिक क्रिकेट टीम ने 25 ओवरों में 5 विकेटों के नुकसान पर 125 रन बनाए। सांस्कृतिक क्रिकेट अकेडमी की तरफ से अंकित 28 और अंशुमान ने 22 रनों की पारी खेली।
सुपर क्लब की तरफ से अभिनव ने 3 विकेट लिए। 126 रन का पीछा करने उतरी सुपर क्लब की पूरी टीम 24 ओवरों में 91 रन बनाकर ऑल आउट हो गई और संस्कृति क्रिकेट एकेडमी ने इस मैच को 35 रनों से जीतकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। सुपर क्लब की तरफ से रुद्र ने 30 रन बनाए जबकि संस्कृति क्रिकेट एकेडमी के अंश यादव को 3 विकेट मिले। चलने के पहले जल्दी जल्दी नजर डाल लेते हैं आज के प्रमुख हेडलाइंस पर। जन सूचना एवं प्रथम अपीली अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यों में मुख्य सूचना आयुक्त जावेद उस्मानी ने कहा कि जन सूचना अधिकार नियमावली का कड़ाई से हो पालन। गोरखपुर विश्वविद्यालय के विवेकानंद छात्रावास में दिन दहाड़े हवाई फायरिंग और मारपीट की घटना से मचा हड़कंप। कमिश्नर अनिल कुमार ने किया नगर निगम के विभागों का निरीक्षण, कहा ऑनलाइन हो सभी विभाग। जिलाधिकारी के विजयेंद्र पांडेयन की अध्यक्षता में संपन्न हुई व्यापार बंधुओं की मासिक समीक्षा बैठक, साफ सफाई सहित अन्य समस्याओं के निस्तारण का दिया आदेश। चौरी चौरा के व्यवसायी से रंगदारी के मामले में पुलिसिया दबिश के दबाव में आकर अभियुक्त ने किया न्यायालय में समर्पण। एसएसपी शलम माथुर ने सभी थानाध्यक्षों को शासन के निर्देश को गुणवत्ता के साथ निस्तारित करने का दिया निर्देश। यूपी बोर्ड के उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कार्य पर वापस लौटे मूल्यांकन केंद्र व्यवस्था से नाराज शिक्षक। गोरखपुर विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास एवं पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक विभाग द्वारा पूर्वी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का हुआ समापन। मारवाड़ इंटर कॉलेज के प्रांगण में 23 मार्च से आरंभ होगा 3 दिवसीय संत कबीर सत्संग समारोह। नगर निगम के रानी लक्ष्मीबाई पार्क में प्रदेश अध्यक्ष आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के साथ किए बैठक। और सुपर क्लब को 35 रनों से हराकर संस्कृति क्रिकेट टीम एकेडमी पहुंची आतिफ कप अंडर 12 के सेमीफाइनल में। इस बुलेटिन में बस इतना ही और कल तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। देखते रहिए गोरखपुर न्यूज़, न्यूज़ बिफोर हेडलाइन। नमस्कार।